नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल स्कूलों में प्रदेश सरकार 25% छूट प्रदान करे। अल्पसंख्यक वर्ग का हवाला देकर छूट लेने वाले स्कूलों में प्रदेश सरकार 25% आरटीआई के तहत छूट प्रदान करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी करेगी सड़क पर आंदोलन। खबर मध्य के बैतूल जिले और प्रदेश के कई निजी स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय का हवाला देकर 25% आरटीआई में जो दाखिला निःशुल्क दिया जाता था, उसमें अब सरकार से छूट लेकर अब इन स्कूलों में आरटीई के तहत 25% की छूट अब नहीं दी जा रही है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सरकार और निजी स्कूलों की मिली भगत से जरूरतमंद गरीब परिवार के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं दिए जाने के खिलाफ यह एक बेहद निंदनीय साजिश है। इस विषय पर आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रमुख बैतूल अजय सोनी के नेतृत्व में 15 मई को जिला कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी सपन कामला, शिबू विश्वकर्मा, सुधीर चौकीकर, ललित देशमुख, जितेंद्र देशमुख, शंकर पेंदाम, मुकेश गायकवाड़, भरत सेन, हरिराम पवार, अशोक सोनारे, सिराज खान, अब्दुल अजीज खान, कमलेश अतुलकर, कृष्णा मर्सकोले, ईश्वर मर्सकोले, राम किसकवरे सहित अन्य कई विंग के जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सक्रिय सदस्य, पूर्व पार्षद उम्मीदवारों ने अपना विशेष समय निकालकर जिले में जनहित के इस मुद्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैतूल से जिला ब्योमरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। जी बताइए, जो ये ज्ञापन जो दिया उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आज जिला कलेक्टर कार्यालय में हमने जो है मुख्यमंत्री के नाम जो है आरटी के तहत जो स्कूलों में माइनॉरिटी का हवाला देकर जो स्कूल संचालक जो है बच्चों को वंचित कर रहे थे आरटीआई के तहत 25% आरक्षण सीटों को लेकर, उनके खिलाफ जो है हमने ज्ञापन सौंपा है कि इस प्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण करके गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें। इसी कड़ी में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि बैतूल जिले में भी तकरीबन 7 निजी स्कूल हैं जो माइनॉरिटी का हवाला देकर जो आरटी के तहत जो है शिक्षा के तहत जो है गरीब के बच्चों को 25% आरक्षण जो मिलना चाहिए उससे कहीं ना कहीं उनको वंचित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बैतूल के जो विधायक हैं नीले डागा जी, इनका भी स्कूल है, आपने देखा होगा कि उसमें अपने सोनाघाटी रोड पे सतपुड़ा वैली, वहाँ पर भी जो है तकरीबन 2021 के करीब 2021 से जो है आरटी के तहत 25% जो आरक्षण है उसको टोटली जो है उनके द्वारा छूट नहीं दी जा रही है, ऐसी अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और शिक्षा विभाग से इसकी और जानकारी लेकर हम निश्चित तौर पर ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलेंगे जो माइनॉरिटी का हवाला देकर अपने स्कूलों में जो खुद विधायक प्रतिनिधि खुद विधायक हैं और विधायक होने के बाद जिसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं कि वो सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करे, वहां तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए, वो अपने ही स्कूल में माइनॉरिटी का हवाला देकर जो है 25% सीटों को कहीं ना कहीं पैसों के कारण और किसी भी प्रकार से गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लामबंद है।